सूरत शहर में मंकी के पेरी बाइक पर निकली चेन स्नेचिंग तेमज लूट करता बे आरोपी ने डीसीपी पुलिस झड़पी पड़ा है। पुलिस तेओनी पासे ते 13 नंग सोना की चेन 6 अने मोपेड मड़ी कुल 10.36 लाख की मत्ता कब्जे करी थी। तेमज पुलिस तपास में 16 गुनाना भेद उकेलाई जवा पाम्या हता। सूरत शहर में दिवसे ने दिवसे चेन और मोबाइल स्नेचिंग तथा लूटनी घटनाओ सामे आवी रही है। बाइक पर आवीने स्नेचरो राहदारी हाथ में मोबाइल तेमज गड़ा में चेन स्नेचिंग करी फरार थई जता हता। तारे बातमी ने आधार डीसीबी पुलिस उदनामक दला रोड पास थी उदना भीमनगर में रहता गणेश उर्फे गणियो रविन्द्रनाथ वाघ तथा विजय डायाभाई कांगरीवाड़ा ने झड़पी पड़ा था। पुलिस आरोपी पास थी 9.46 लाख की 13 नंग सोना की चेन लूट करेली एक मोपेड तेमज गुना में वपरायेली एक मोपेड तथा रेम्बो छरो मड़ी कुल 10.36 लाख की मत्ता कब्जे करी थी। पुलिस आरोपी की कड़क पूछपरछ करता जाणवा मळ्युं हतुं कि गणेश उर्फे गणियो रविन्द्रनाथ वाघ भूतकाल में चेन मोबाइल स्नेचिंग लूट तथा मर्डर और मारामारी जेवा गुना में पकड़ाई चूक्यो छे। जेमा एक वर्ष पहला उधना स्थित रहता कालूना खूनना गुना में जमीन पर छूट्यो हतो अने बाद में तेना सागरित अक्षय सुरेशभाई शिंदे साथ स्नेचिंग करी सहेलाथी रूपया कमावानुं नक्की कर्युं हतुं। आरोपी विजय कांगरीवाड़ाए पोतानी पल्सर मोटरसाइकल आपी स्नेचिंग करेली सोनानी चेन में जे नाणा मळे ते सरखे हिस्से भाग लेवानुं नक्की कर्युं हतुं अने पोतानी बाइक गणेश अने अक्षयने आपी देता हता। जेमां बंने आरोपी बाइकनी नंबर प्लेट काढी पोतानी ओळख छतीं न थाय ते माटे मंकी केप पहेरी लेता हता अने आरोपी अक्षय ड्राइविंग करतो हतो। आरोपीओ सांजना समये 7-10 वाग्या सुधीमां फरता रहीने चेन स्नेचिंग तथा मोबाइल स्नेचिंगना गुनाना अंजाम आपता हता। आ उपरांत कोई भोग बनार तथा पब्लिक जो पकड़ी ले अथवा पीछो करे तो डरावा तथा हुमलो करवा माटे तेओ छरो पण साथे राखता हता। आरोपी की कबूलातना पगले 16 गुनाना भेद उकेलाई जवा पाम्या छे। वधुमां झड़पायेलो गणेश उर्फे गणियो रविन्द्रनाथ वाघ विरुद्धमां भूतकाळमां चेन स्नेचिंगना 2 लूटना 2 मर्डरनो 1 मोबाइल स्नेचिंगना 5 खूननी कोशिशना 6 मळी कुल 25 गुना नोंधायेला छे अने वर्ष 2020 राजकोटमां जेल खाते पासा हेठळ धरपकड़ कराई छे अने आ उपरांत आरोपी विजय कांगरीवाड़ा सामे पण भूतकाळमां 1 घरफोड़ चोरीनो गुनो नोंधायो छे। रिपोर्टिंग न्यूज अर्चना सरोदे साथे सुनील पाटिल स्पीड न्यूज 17 सूरत। सूरत शहर में चेन स्नेचिंग ना अनेक गुनेगारों ने भूतकाल में पकड़वामा सूरत पुलिस ने सफलता मिली थी, परंतु मोटरसाइकल पर आवीने चेन स्नेचिंग करे अने कोई रोकवाना प्रयास करे तो इन्हें छरो बताने छरानी भीक बताने भागी जवाना एक मोटे सुपरिंडे पुलिस ना ध्याने आता घना दिवस थी ट्राई करता था। क्राइम ब्रांच की टीम ने मुख्य तोमदार ने पकड़वा में सफलता मिली है। आ तोमदार छे गणेश उर्फे गणियो रविन्द्र वाघ एनी उम्र छे 22 वर्ष। आ हाल में रहे छे भीमनगर उधना गांधी कुटर विकास भाई ना मकान में, परंतु मूल विसरवाड़ी तालुका जिला नंदुरबार महाराष्ट्र नो रहवासी छे। एनी साथे एना बीजा साथीदार हता एनी पण धरपकड़ करवामां आवी छे। एनो नाम छे विजय डायाभाई कांगरीवाड़ा। आ रामदेव नगर सोसायटी सिद्धि विनायक मंदिर नी सामे भाठेना उधना में रहे छे। तारीख 3 फेब्रुआरी ना रोज खटोदरा पुलिस स्टेशन नी हद में छरी बताई ने लूटनो गुनो जाहिर थे, जेना लीधे पुलिस तोमदारों ने चेक करवाने पकड़वाना कामगिरी में थी। पुलिस एक मोटरसाइकल ऊपर जता बे जना ने रोकी ने चेक करवाने प्रयास करा, तो आ लोगों भागवानी प्रयास करी। पुलिस रोकवाना जे प्रयास करे आमा पुलिस ने पण छरा बताने आ लोग भागवाना प्रयास करे। आमा एनी मोटरसाइकल पड़ी गई पण बीजा एक एक्टिवा वाला ने छरी बताने आ लोग भागी गया। आ बन्ने तोमदारों ने पकड़वामा पुलिस ने सफलता मिली है। हवे आ लोगोनी साथे संडोयेला त्रीजा एक आरोपी है जेनी शोधखोळ अत्यारे पुलिस करी रही है। परंतु आ गंभीर बाबत आ छे के गणेश जे पकड़ाणा छे एनी उम्र 22 वर्षनी छे
અને એની પાસેથી કુલ ગુના 16 ડિટેક્ટ થયા, ચેઇન સ્નેચિંગના 3, લૂંટના 2 અને મોબાઈલ સ્નેચિંગના 1. આ ઉમરા, અડાજણ, સરથાણા, ખટોદરા અને જહાંગીરપુરા વિસ્તારમાં આ બનાવો બનેલા હતા. એની પાસેથી જે મુદ્દામાલ રિકવર કરવામાં આવ્યા છે, 13 સોનાની ચેનો જે સ્નેચિંગ કરી હતી, વાનો 2, પલ્સર અને એક્ટિવા, અને ત્રીજો રેમ્બાછરી, જે રેમ્બોછરી બતાવીને આ વેવડાવીને ભાગવાના કારસો કરતો. એના ગંભીર ગુનાહિત ઇતિહાસ છે. આ ચેઇન સ્નેચિંગ 2, લૂંટ 2, મર્ડર 1, મોબાઈલ સ્નેચિંગ 5, ખૂનની કોશિશ 6, હથિયાર ધારા બાબતના જાહેરનામા ભંગના 9, અને પાસા અટકાયતી 1 વખત, એવી રીતે કુલ 25 ગુનાઓ આ ઈસમ ગણેશ રવિન્દ્ર વાઘના માથે બોલે છે. એના જે સાથીદાર છે આ પણ અગાઉ એ ઘરફોડમાં પકડાયેલો. નાગરિકો સુરત શહેરમાં સલામત અનુભવ કરે આના માટે દરેક પ્રકારના પ્રયાસો પોલીસ કરી રહી છે. તો આ જે સફળતા મળી આના પછી પણ પોલીસ સતત મહેનત કરશે કે કોઈ પણ તત્વને એવી રીતે નાગરિકોને તકલીફ પહોંચાડવાના, હેરાન કરવાના કે ગુના આચરવાની કોઈ તક ના મળે.